हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बृहस्पति के गोचर का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी दोस्तों ये सीरीज चल रही है, ये सभी राशियों पे अलग अलग वीडियो हैं जो बृहस्पति का गोचर हो रहा है 5 नवम्बर 2019 को, उसके ऊपर ये वीडियो है। और अभी सभी सीरीज चलती आ रही है, सभी राशियों पर हमने वीडियो बनाए हैं। अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है उनमें से एक कन्या राशि। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बृहस्पति वक्री हुए थे 22 अप्रैल 2019 को 5:55 पे, और अब वो पुनः मार्गी हो रहे हैं और धनु राशि में आ रहे हैं 5 नवंबर 2019 को 6:42 पर। तो अब जो कन्या राशि वाले लोग हैं, इनकी लाइफ में क्या चेंज होने वाले हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का, वो सिर्फ इतना रहता है कि मैं आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन दूँ आपकी प्लेनेटरी पोजिशन की, कि वो आपके अगेंस्ट में है या आपके फेवर में है, और आप उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज करें या प्रिकॉशन लें, और जो टाइम बताया है वो टाइम आपका अच्छे से निकल जाए। किसी चीज़ को आप नेगेटिव या पॉजिटिव मत लो, इस तरह नहीं लेना है कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मेरा काम दोस्तों इन्फॉर्मेशन देना है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको मिसगाइड करना मेरा काम नहीं है और आपको डराना मेरा काम नहीं है। वो आप पर डिपेंड करता है आप चीज़ों को किस वे में लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कन्या राशि पर बृहस्पति का जो इकोचर है या बृहस्पति जो मार्गी हो रहे हैं धनु राशि में, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि 12 राशियों में से एक राशि कौन सी है जिस पर ये जो गोचर है सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डालने वाला है, तो वो है कन्या राशि, मेरी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति इसमें आएगा चौथे भाव में, बृहस्पति इस लग्न, इस राशि का लग्न का शत्रु होता है, बृहस्पति यहाँ चौथे भाव में आएगा। आप वो अपनी सातवीं दृष्टि से दसवें भाव को देखेगा, और अपनी पांचवीं दृष्टि से आठवें भाव को देखेगा, और अपनी नौवीं दृष्टि से बारहवें भाव को देखेगा। भाव सारे ही गलत हैं इस लग्न वालों के लिए। पहले बृहस्पति नेगेटिव है, और ऊपर से ये भाव है, इन पर भी गलत दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति, गलत भावों के संबंध है। चौथे भाव में है दोस्तों, यहाँ से जब 5 नवंबर के बाद 2019 को 6:42 पर जब बृहस्पति यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, यहाँ पे गोचर करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और मार्गी होगा, अब अपने प्रभाव देने शुरू करेगा। सबसे पहले तो आपको ये होगा कि माता की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम होगी, आपके जो चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं या कफ की प्रॉब्लम्स हैं या आपको खांसी की प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकती है। आपके बाग बगीचे, खेत खलिहान, प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो इसमें भी समस्या होने वाली है। आपको कोई प्रॉपर्टी का आप क्लेम कर रखा था, आपकी जॉइंट फैमिली है, दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी, आप सोच रहे थे हिस्सा मिल जाएगा, उसमें आप प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये है, घर का जो माहौल है उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी। रीज़न कुछ भी हो, रीज़न दूसरा करे कोई करे, घर का माहौल अशांत हो रहेगा, ये बृहस्पति के प्रभाव से रहेगा। आपके गाड़ियां हैं तो गाड़ियों बार बार गाड़ियाँ ख़राब होना या गाड़ियों का बिक जाना, इस तरह की समस्या होगी, या गाड़ी का दुर्घटना में भी कुछ नुकसान हो जाना, इस तरह की स्थिति बनेगी। प्रॉपर्टी को लेके आपको इन्वेस्टमेंट ना करें, इस समय आप सोच रहे हो कि रिटर्न आएगा, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आएगा, आप लॉस खा जाओगे। आप प्रिकॉशन में रहो, अलर्ट रहो, और डिस्कस करके सोच समझ के कोई डिसीजन लो। आप प्रॉपर्टी वगैरह में ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट ना करो, ये आपके फेवर में रहेगा। ये बृहस्पति यहाँ बैठ के चौथे घर के फल देगा आपको। स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ, माता की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, अगर उनकी हेल्थ खराब हो तो उनका डॉक्टर से चेकअप कराएं, उनका ट्रीटमेंट कराएं, सही रहेगा। ज़्यादा एज है तो हो सकता है कि ये उनका अंतिम समय हो, अंतिम समय में चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप बृहस्पति अपनी आठवें घर पर जब दृष्टि डालेंगे, ये दृष्टि बड़ी गलत है। ये दृष्टि आपको क्या है, आपको साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, दुर्घटना किसी भी तरह की हो सकती है आपके साथ। आप कोई किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, आपके जो गुप्त शत्रु है वो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी छोटी मोटी चल रही थी, आप लापरवाह थे, तो अब वो बीमारी सीरियस बन जाएगी, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ध्यान रहे, बीमारी के मामले में स्पेशल बता रहा हूँ आपको चीज़, चोरी का, डकैती का ये डर रहेगा आपको। आपको जो गुप्त शत्रु वो हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ कोई बड़ा बिजनेस को लेकर कोई चिटिंग हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके दोस्तों की तरफ से हो सकता है या अननोन हो सकता है, कोई भी हो, उसमें
आपको अभी नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी यहाँ पे। आपके फाइनेंस भी आपका नुकसान होगा यहाँ पे। फाइनेंस को लेके क्या है, अगर आपका कोई बीमा अटका हुआ था वहाँ पे कोई, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। आपका बीमा कोई, आपको वहाँ से कुछ पैसा आना था वो अटक सकता है, होल्ड हो जाएगा। आपने किसी को उधार दे रखा था वो वहाँ पे रुक जाएगा, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। जमीन से संबंधित कोई चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप ट्यूबवेल बनाने जा रहे हो या ट्यूबवेल खोदना चाहते हो जमीन में, तो वहाँ पे अच्छा पानी ना मिले आपको, हो सकता है। आप जहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करो, जिस सेक्टर में, इंडस्ट्री में आप लगाओ पैसा, वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न आए, ठीक है। आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई पैसा लगाओ, वहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा ना आए, जैसे यूनिट प्रोडक्ट हो गए, तो वहाँ पे भी आपको नुकसान होने की संभावना है। मतलब फाइनेंशियली तो आप हिट हो गए, आप हेल्थ वाइज भी डायरेक्टली यहाँ पे हिट हो। तो आपको सिर्फ प्रिकॉशन करने पे, एक तो इन्वेस्टमेंट से आप दूर ही रहें, ज़्यादा कमाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट ऐसे करें जहाँ पे बिल्कुल कन्फर्म हो चीज़ की इतना रिटर्न आएगा वहीं पे जाएं, अदरवाइज आप मार्केट बेस्ड चीज़ों में ना जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और चीज़ों को, अगर आपका झगड़ा फसाद कुछ भी होता है, डिस्प्यूट होता है, तो आप वहाँ से दूर रहिए, उन चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों में मत जाइए। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से चेकअप करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप सेफ रहेंगे। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको बड़े खामियाजे भुगतने पड़ेंगे इस दौरान। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसी दिमाग में रखिए आप। और साथ में आपको उपाय बता रहा हूँ कि ये चीज़ करते रहिए आप। दोस्तों अब ये दृष्टि डालेगा बृहस्पति चौथे घर पे बैठ के, 10वें घर पे आपका कर्म का है। आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका काम करने को मन नहीं करेगा, आपके अंदर आलस्य बढ़ सकता है इस दौरान। सरकार की तरफ से कोई फायदा होने वाला था या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो परेशानी में आ सकते हैं, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट रोक सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, होल्ड हो सकते हैं, वहाँ से दिक्कत आएगी। बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आप इकोइस्टिक हो सकते हैं, आप बॉस के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। आप जॉब चेंज करने की कोशिश ना करें, जॉब छूटने पर जॉब लगने में बहुत टाइम लगेगा इस दौरान, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके पद, आपकी मान मर्यादा और आपकी जो रेपुटेशन है वो उस पर आँच आ सकती है या वो दाव पे लगेगी, ठीक नहीं है। ऑफिस में आपके खिलाफ कोई अफवाह उड़ा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई आप पे गलत एलिगेशन लग सकता है, तो इस चीज़ इस प्रकार की चीज़ों से आप दूर रहिए। अब सॉल्यूशन क्या है इसी का, आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, लोगों से मत उलझे, चुपचाप अपने काम पे फोकस लगे, आप ईमानदारी से काम करते रहें, पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम पे आप नज़र बनाए रखें, आप इन चीज़ों से बच सकते हो, आराम से बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के साथ कोई पंगे ना लें इस चीज़ों में, किसी के खिलाफ ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश ना करें, वो आपके फेवर में नहीं जाएगी। तो आप सिर्फ इतना करें कि आप चुपचाप अपना काम से काम रखें, दूसरों को नज़रअंदाज करें, उनकी तरफ वो कुछ भी कहते हैं आप सिर्फ नज़रअंदाज करो, स्पेशली 5-6 महीने के लिए, मार्च अप्रैल तक ऐसा ना करें, मार्च अप्रैल 2020 तक बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ये आपके फेवर में होगा। दोस्तों दूसरा है 12वें भाव में, आपकी सबसे बड़ी जो बार बार एक चीज़ घूम के आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आपकी रेपुटेशन पे दाव लगेगी, मतलब कोई आप पे गलत आरोप लगेगा, और गलत आरोप लगने के चक्कर में आप उसके इतनी जबरदस्त रिएक्शन कर दो, या आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन ले लिया जाए कि आप उसको कोर्ट में ले जाओ या कोई लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ, तो ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि चीजें आपके फेवर में नहीं है, बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। तो आप हर काम कोई भी करें अपने करेक्टर को सही रखें, अपनी बातों पे सही रहें, सही बात करें, सही लोगों की संगति में रहें, और सक्सेस के शॉर्टकट ना अपनाएं, चोरी है, डकैती है, जुआ है, लॉटरी है, इन चीज़ों से दूर रहें, कोई ड्रग है, ड्रग्स हो गया या स्मगलिंग हो गया, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में ना जाएं, स्टॉक मार्केट हो गया, इस तरह का शॉर्टकट जो पैसे कमाने के तरीके हैं इनमें बिल्कुल भी ना जाएं, आपकी रेपुटेशन हो सकती है, आप पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हो, आपको लीगल एक्शन हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, पनिशमेंट हो सकता है, आपकी आपको दुर्घटना हो सकती है, चोट लगेगी तो आप सीरियसली ऐसी चोट लग जाए कि आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़े, आपको गुप्त शत्रु है वो ज़्यादा परेशान करेंगे, तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल सावधान रहें, अलर्ट रहें, बस यही चीज़ है। और आपको उपाय के तौर पे मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अगर आप उपाय करना चाहते हो तो सिंपली आप इतना ही करना कि आपका लग्न बनता है कन्या, तो आप या तो शनि के ज़्यादा उपाय करिए या बुध के ज़्यादा उपाय करिए। बृहस्पति के उपाय करेंगे तो ठीक है वो डिफेंसिव हो गया, लेकिन आपको अग्रेसिव मोड में खेलना है तो आप सिर्फ ये करो, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो या दुर्गा सप्तशती का ज़्यादा पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, या भगवान गणपति की पूजा भी करें, और
बृहस्पति के तौर पे करना चाह रहे हो या बृहस्पति के उपाय करना चाह रहे हो तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर लें, वो अच्छा है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, इस दौरान आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या माँ बगुलामुखी है उनकी पूजा पाठ करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शुभ रहेगी। बाकी इतना कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी। मैंने जो आपको बताया है इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पे आप ये चीज़ करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप ये जो आपका जो भी बुरा समय है ये इजीली निकल जाएगा। बस लोगों से उलझिए मत, शांति से चुपचाप अपना काम से काम रखें और आपका जो फोकस है वो अपने टारगेट पे होना चाहिए, साइड की चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, फरवरी मार्च के बाद आपकी सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी, तब वो अच्छी हो जाएगी, तब आपको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी शनि है, शनि धनु में रहेगा, सॉरी बृहस्पति के साथ रहेगा, अभी शनि भी रहेगा धनु में, चौथे घर में जहाँ आपका बृहस्पति आ रहा है 5 नवंबर को, वहाँ भी रहेगा, तो स्थिति इतनी बिगड़ने नहीं देगा। तभी तो मैंने बोला है आप शनि के उपाय करिए, बुध के उपाय करिए। आप शनि को जितना पूजेंगे बृहस्पति थोड़ा सा डाउन रहेगा, बृहस्पति शनि सम है, शत्रु नहीं है। शनि के उपाय करिए, आप नीलम धारण करिए, इस रत्न में अपनी कुंडली दिखा के या पन्ना धारण करिए, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। नीलम आप पहनिए या आप शनि स्त्रोत शनि चालीसा का पाठ करिए, वो आपके लिए बहुत शुभ है। काली चीज़ों का आप ज़्यादा प्रयोग करिए, उड़द आप खाइए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और काले रंग के कपड़े पहनिए, काले रंग का ज़्यादा प्रयोग करिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पीली चीज़ों से आप दूर रहिए, अवॉइड करिए, ना खाइए ना पहनिए ना कलर यूज़ करिए, ये आपके फेवर में है। दोस्तों ये था पूरा कंक्लूजन कि कन्या राशि के लिए बृहस्पति का जो गोचर है वो क्या रहेगा। कंक्लूजन निकलता है कि वो अशुभता की तरफ ज़्यादा जाता है, तो आपको शांत रह के ये टाइम निकाल लेना है। शनि का बुध के उपाय करो, माता दुर्गा की पूजा करो, आराम से भगवान गणपति की पूजा करो, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। नीलम पहन सको नीलम पहनो, कटहला पहनो, शनि के ऊपर तक पहनो, जो पहनना उपाय करने हैं, शनि का यंत्र लगाना है यंत्र लगाओ, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। दोस्तों अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसे वीडियो एंजॉय कर सकें। थैंक यू।